अगर आप भी FNO में ट्रेडिंग करके लॉस से परेशान हो और जानना चाहते हो कोई ऐसी चीज जहां पर आपको लॉस कम से कम हो, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ऐसी ही एक जबरदस्त चीज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ETF। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों ETF में आपको FNO या दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में लॉस के चांसेस कम होंगे, और चाहे आप शॉर्ट टर्म करें चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कौन कौन से टाइप के ETFs होते हैं मार्केट में वो मैं आपको बताऊंगा, और बेस्ट ETF चुनने के लिए कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको सिंपली देखनी चाहिए ताकि आपके लॉस के जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये ETF जो है ये एक्चुअली बीमारी क्या है। तो देखिए ETF कुछ नहीं है, ETF क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो म्यूचुअल फंड ही एक तरीके का, लेकिन इसे एक्सचेंज पर डाल दिया गया है। तो जो AMC आपको वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है या आप दूसरे आजकल डीमैट अकाउंट्स के थ्रू भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, वही AMC अपने एक्सचेंज पर फंड को डाल देती है और उसको स्टॉक की तरह वो ट्रेड हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये सिंपली बात खत्म हुई। अब ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको इसके फायदे और नुकसान बताता हूं और साथ साथ ये भी बताता हूं कि ये म्यूचुअल फंड से किस तरीके से रिलेटेड है या किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला जो फायदा ETF के अंदर आपको मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का बिजनेस खराब हो सकता है, चौपट हो जाने की वजह से शेयर जो है वो भी जीरो हो सकता है, लेकिन ETF में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ETF में जीरो होने का रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ETF जो है वो एक शेयर्स का एक बास्केट है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही तो है ये। जो म्यूचुअल फंड आपको AMC पर डायरेक्ट डीमैट अकाउंट्स के अंदर मिलता है या विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं, लेकिन ETF क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है तो यहां पर आपको कई सारे अलग अलग स्टॉक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, यहां पर जीरो होने का रिस्क नहीं है, यानी कि शेयर आपका जीरो हो सकता है लेकिन आपका ETF जो है वो जीरो नहीं होगा। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंडेक्स फंड आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे इंडिया के इंडेक्स की बात करें चाहे US के इंडेक्स की बात करें, तो अब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन तो आपके पास हो गया कि आप इंडेक्स फंड ही खरीदो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप ETF के थ्रू भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमें जनरली हम अपना ऐप में देखते रहते हैं आज मार्केट डाउन है, लेकिन अगर आप 3 बजे से पहले उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो किसी रीजन की वजह से, तो आपको जो NAV मिलती है वो उस दिन की नहीं मिलती है, फिर आपको NAV जो है वो नेक्स्ट डे की मिलती है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप जिस दिन भी खरीदोगे आपको उसी दिन की NAV जो है ETFs में मिल जाती है, और इसका फायदा जो है वो उठाते हैं ट्रेडर्स मैक्सिमम। वो कैसे उठाते हैं, क्या स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको सारी चीजें आगे बताऊंगा। पहले मैं एक बार फायदे और नुकसान फटाफट से इसका ब्रीफली आपको कवर करके बता देता हूं। तो अगला जो फायदा है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का वो ये है कि यहां पर आपको पैसे की जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि गोल्ड ETF जो होते हैं वो आप सिर्फ 60 रुपए से इन्वेस्टमेंट उनमें करना स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 जो है, जिसका फुल फॉर्म आप कंफ्यूज होते होंगे शायद, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम बोलते हैं, 20 की जो फुल फॉर्म है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो निफ्टी 20 जो कि एक इंडेक्स फंड का, निफ्टी इंडेक्स फंड का ETF है, वो आपको 222 रुपए में मिल रहा है आज की डेट में। तो इतने कम अमाउंट से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और जो चौथा फायदा है वो ये है कि यहां पर आप ETFs में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मल्टीपल टाइप के जो भी एडवांस ऑर्डर टाइप्स हैं उनको भी आप यहां पर लगा सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स जो है आप ETF में इन्वेस्टिंग करते टाइम, ट्रेडिंग करते टाइम इनको इंप्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। पांचवा फायदा यह है कि जिस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, उसके कंपैरिजन में ETFs में जो रिस्क है वो लोअर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया अभी कि ये जीरो नहीं हो सकता कभी। तो ये एक और इसका एडवांटेज हो जाता है कि FNO में आपको लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन ETFs में जो आपका लॉस होता है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, उसके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि यहां पर जो टाइप्स जो हम समझेंगे उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां
पर एक तो शेयर्स है, अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वहां पर जो ETF है उसमें काफी सारे शेयर्स होते हैं तो डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा, अगर कोई कमोडिटी है तो कभी कमोडिटी के प्राइजेस भी जीरो नहीं होते हैं, इस वजह से यहां पर जो है आपको रिस्क काफी ज्यादा कम मिलता है। छठा और आखिरी फायदा ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि यहाँ पर आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फी होती है ETFs में वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 0.01 से 0.03% के रेंज में होती है अगर आप इक्विटी ETFs में जाते हैं तो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू तो होते ही हैं। तो देखिए, ETFs में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ केयरफुली होकर के देखना है, वो है वॉल्यूम, क्योंकि इंडिया में अभी ETFs उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कभी ETF को खरीद लेते हैं, कोई ऐसे अननोन ETF को खरीद लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, तो जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई सेलर नहीं मिले मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से आपको सेलिंग करते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम जो है डेली ट्रेडेड वॉल्यूम वो एटलीस्ट 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसी ETF में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं टाइप्स भी बताऊंगा आपको, तो टाइप में आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से ETFs हैं जिनमें आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा एक और ETFs का ये प्रॉब्लम भी हो जाता है कि आप अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जैसे शेयर्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते हैं, वैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स जो है वो आपको ETFs में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगेन ये एक म्यूचुअल फंड ही है जो कि एक्सचेंज पर आपको शेयर की तरह मिल रहा है। तो इस वजह से ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं ETFs में। इसके अलावा ये ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों के लिए ही सूटेबल है। एक बार टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ ETFs आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ETFs के अंदर तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, इंडिया में मेनली तीन तरह के ETFs अवेलेबल हैं, पहला है इक्विटी ETF, दूसरा है डेट ETF और तीसरा है कमोडिटी ETF। इसके अलावा US में इसका मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, इंडिया में अभी उतने ज्यादा वॉल्यूम में ETFs की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं होती, इसलिए मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको तीन चीजें भी बताऊंगा भी कि आपको कौन सी तीन चीजें हैं जो देखनी चाहिए ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बट मैं आपको एक बार टाइप्स को और ज्यादा डिटेल से समझा देता हूं कि ये जो पहला टाइप मैंने बताया इक्विटी का, इक्विटी ETF का, तो इसमें क्या ETFs होते हैं, इसमें एक तो इंडेक्स ETF होता है जैसे कि निफ्टी का हो सकता है, सेंसेक्स का ETF हो सकता है, या इसमें दूसरा जो है वो सेक्टोरल ETFs भी होते हैं जैसे कि IT सेक्टर का ETF हो सकता है या कोई दूसरे फार्मा सेक्टर का, केमिकल सेक्टर का ETF भी हो सकता है। तो उस ETF के अंदर उस सेक्टर के कई सारे कंपनीज के शेयर रहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर अगेन डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, बात करें यहां पर डेट ETF का, तो डेट ETF में क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इनके ETF होते हैं। अब यहां पर एक्चुअली फायदा क्या होता है, इसमें एक नाम भी आपको बता देता हूं, लिक्विड बीज नाम से एक ETF है जो आपको एक्चुअली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देता है। तो अब अगर बॉन्ड्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है, वहां पर आप बेच ही नहीं पाओगे, तो लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए बॉन्ड्स में, शेयर्स में तो आपको ETF में लिक्विडिटी कम मिलेगी कंपैरिजन टू शेयर्स, लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में जाएंगे तो बॉन्ड्स में आपको ETFs में लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है कंपैरिजन टू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप ETFs के थ्रू जाते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो लिक्विड बीज के नाम से एक यहां पर बॉन्ड ETF भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कमोडिटी ETFs के बारे में, तो गोल्ड ETF होता है, सिल्वर ETF होता है और गैस CNG वगैरह के भी अलग अलग ETFs आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो अब अगर आपने ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया है तो मैं आपको बताता हूं सिंपल तीन चीजें जो देख करके आप कोई भी अच्छा ETF सेलेक्ट कर सकते हो। पहली चीज आपको देखनी है, वहां पर ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि जो भी इंडेक्स ETFs हैं वो ज्यादातर एक इंडेक्स को, जैसे निफ्टी को, सेंसेक्स को, या अगर ग्लोबल मार्केट में आप जाएं तो S&P 500 इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उस इंडेक्स के रिटर्न में और इस ETF के रिटर्न में जितना कम डिफरेंस होगा उतना बढ़िया है, और इस डिफरेंस को ही बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो ये ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। तो पहली चीज जो आपको किसी ETF में देखनी है वो है ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। दूसरा, आपको देखना है उस ETF का वॉल्यूम जो है एटलीस्ट डेली ट्रेडेड वॉल्यूम 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी और फाइनल चीज आपको उस ETF के अंदर देखनी है, उसका एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फीस जो है वो भी वहां पर कम होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी या वॉल्यूम, और तीसरी चीज यहां पर ट्रैकिंग एरर, इन तीनों चीजों को देख करके आप एक अच्छा ETF खुद से ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जिस दिन भी मार्केट डिक्रीज होता है उसी दिन आप जाकर के ETF में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इंडेक्स फंड अगर आप खरीदेंगे तो आपको वहां पर NAV हो सकता है उस दिन नहीं मिल पाए, तो आप
आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अगर जिस दिन भी सेंसेक्स गिर रहा है या निफ्टी गिर रहा है उस दिन निफ्टी 20 जाकर के आप खरीद लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं शॉर्ट टर्म का, फिर उसके बाद बताऊंगा। अगर आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आज डे वन के दिन मार्केट गिर गया 0.5% से, आपने जाकर के 500 रुपए का आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन मार्केट बढ़ता गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, चौथे दिन दोबारा मार्केट गिरा, आप फिर से 500 रुपए का जाकर के निफ्टी 20 खरीद लोगे। फिर जाकर के अगर छठे और सातवें दिन मार्केट बढ़ रहा है, आठवें दिन गिर रहा है, तो आपको छठवें और सातवें दिन में कुछ नहीं करना है, आठवें दिन में जाकर के आपको अगेन वहां पर 500 रुपए का ETF खरीद लेना है। तो जिस दिन भी मार्केट गिर रहा है आपको उस दिन वहां पर निफ्टी ETF में पैसा डालते जाना है। इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको जो रिटर्न बनेगा वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप फॉल के टाइम पर ETF को खरीद रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, 6 महीने 8 महीने, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म अगर आप करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे तो नहीं मैं कहूंगा आपसे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आप इसमें ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आज अगर निफ्टी गिरा है तो आज आपने खरीद लिया और 2-3 दिन उसके बाद लगातार बढ़ने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और उस केस में आप सेल कर सकते हो। अब यहां पर आपको 500 रुपए से फायदा नहीं होगा, ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 5,000 या 10,000 रुपए की कैपिटल से करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 100-200-500 रुपए का बेनिफिट होगा। तो ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप 100-200-500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल दिया है अपस्टॉक्स का और एंजल वन का, जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और वहां से आप इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना ETFs में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है गाइस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो ETF के बारे में कंफ्यूज हैं या ट्रेडिंग में लॉस बना रहे हैं, ताकि उनको इस नई स्ट्रेटजी के बारे में सीखने को मिले। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।